लोकसभा चुनाव 2019 में जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई उससे लगातार देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मगर वहीं हाल ही में हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि भोपाल सीट से बीजेपी सांसद चुनी गई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीती रात से ही अस्पताल में भर्ती है। जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को एनआई कोर्ट में पेश नहीं हो पाई है वो। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने एनआईए कोर्ट से कहा है कि बीती रात अस्पताल में वो भर्ती थी जिस कारण से वो नहीं आ पाई, लेकिन शुक्रवार को वो कोर्ट में पेश होंगी। बता दें कि एनआईए कोर्ट ने हाल ही में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हर हफ्ते कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। बीते 17 मई को भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने पेशी से छूट मांगी है। उन्हें कोर्ट ने छूट दे दी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को दोहराते हुए हर हफ्ते पेशी का आदेश किया। मगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को रात में अस्पताल में भर्ती हो गई। हालांकि भर्ती होने से पहले साध्वी प्रज्ञा ने शाम को ईद की बधाई देते हुए यहां पर शहर काजी के घर वो पहुंची थी, जहां पर सांसद बनने के बाद ये पहला मौका रहा जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुसलमानों के बीच देखी गई। मगर अचानक से बीती रात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का अस्पताल पहुंचना, हालांकि अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है कि किस कारण को लेकर या क्या हुआ है उन्हें जो बीती रात उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, मगर हां एनआईए कोर्ट में उन्होंने पेशी नहीं की है। एसपी 9 न्यूज़ से नैंसी की रिपोर्ट।